नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव गोपाड़ा में सड़क किनारे स्कूटी सवार महिला को हाइड्रा ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गोपाड़ा में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी सवार महिला को हाइड्रा ने कुचल दिया, जिसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और हाइड्रा चालक मौके से फरार हो गया। मृतक महिला का नाम रंतोष पत्नी कैलाश निवासी मुजफ्फरनगर आदर्श कॉलोनी है। रंतोष की उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, जो अपने पति कैलाश के संग एक्टिवा पर सवार होकर छठी के फंक्शन में गाँव पुरपालियान जा रही थी। गोपाड़ा में सड़क किनारे फोन पर बात कर रही महिला को पीछे से तेज गति से आ रहे हाइड्रा ने कुचल दिया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मंसूरपुर थाना प्रभारी रोजन त्यागी, एसडीएम खतौली जीत सिंह राय और सीओ खतौली रविशंकर मिश्रा नया फोर्स के मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। आज सुबह के टाइम हमारे ये जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, ये मेरी ताई जी हैं और ताऊ जी और ताई जी दोनों ही ये पुरबालियान जा रहे थे, क्योंकि हमारी जो ताई जी हैं वो पुरबालियान से हैं। तो घर से आज लोग करके आए थे यहाँ पे, तो क्या नाम है इनका? रमतोस है। हमारे ताऊ जी का नाम कैलाश चंद है, जो कि मंडी में एक मुनीम है। और ये इनका अचानक से फ़ोन आया रास्ते में जाते जाते, तो ये साइड में लगा के फ़ोन पे बात कर रहे थे ताऊ जी हमारे, ताई जी साथ में ही खड़ी थी उनके। और अचानक से पीछे से एक क्रेन आई और वो उनको रोंद के चली गई। अच्छा, कितनी देर आपने जाम लगाया? जाम हमने 1.5 से 2 घंटे तक जाम लगाया। क्या मांग थी आपने? मांग यही है कि वो ड्राइवर पकड़ा जाए, वो नशे की हालत में था, क्या था, उसकी जाँच होनी चाहिए और उन्हें हमें इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही है। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, सब उन्हीं का कर रही थी। 1 महीने पहले उनकी बेटे की वाइफ जो है वो एक्सपायर हो गई थी, कैंसर से पीड़ित थी, तो घर का सब यही देखती थी वहाँ पे। पुराना है मंसूरपुर से शाहपुर रोड पर, बोपाड़ा गांव के सामने वाली रोड पर एक महिला की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस थाने की पुलिस पहुँच कर डेड बॉडी को उठवा के मोर्चे ले जाया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई अमल में डाली जा रही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।